जिला केसरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले गांव डाबीखिला निवासी समिंदर बेनीवाल के स्वागत में बट्टू के तौदा देवीलाल टाउन पार्क में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रतिभाशाली खिलाड़ी को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर व मिठाई बांटकर सम्मानित किया। यह प्रतियोगिता बोडिया खेड़ा के खेल स्टेडियम में आयोजित हुई। जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में अनेक प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इससे पहले भी सुरेंद्र बेनीवाल ने 3 बार जिला कुमार व 3 बार जिला केसरी का खिताब जीत चुके हैं। अब वे प्रदेश स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे। बट्टू में आयोजित सम्मान समारोह में किसान सभा के जिला प्रधान कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा ने विजेता खिलाड़ी को हौसला अफजाई करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला केसरी बनना क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। इस प्रतिभा से दूसरे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि खेलों का बजट बढ़ाना चाहिए, ताकि गांव स्तर पर पंचायत में खेलों के लिए स्पेशल बजट जारी करना चाहिए, ताकि ग्रामीण प्रतिभा को आगे आने का समुचित अवसर प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इसलिए खेल जरूरी है। किसान सभा के तहसील प्रधान मास्टर हनुमान सिंह ने कहा कि सुरेंद्र बेनीवाल ने समय समय पर कुश्ती के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुश्ती में उन्होंने अनेक पदक हासिल कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। वर्तमान में जिला केसरी का पदक जीतने वाले सविंदर बेनीवाल गांव धांगर के पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर जूनियर लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। समाज सेवी शिवम शर्मा ने भी विजेता खिलाड़ी को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। सुने कहना चाहेंगे सर? हम ना पहली बात तो ये है कि भी पत्रकार साथियों का हम ये धन्यवाद करते हैं, और ना हम इन साथी को जो जिन्होंने ना फतेहाबाद केसरी का खिताब जीता है, इनको हम बधाई देना चाहते हैं और भविष्य की शुभकामना करते हुए हम ये कहा भी है ना हरियाणा केसरी भी और देश के ना इंडिया केसरी भी ये बनेंगे, ये हम ना इनको ना आगे की शुभकामना देते हुए, और हम सरकार से अपील भी करते हैं जिस तरीके से है ना एक पहलवान ने ये बताया कि 6 साल बाद में ना ये कुश्ती का ना प्रोग्राम किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि भी सरकार अगर ये खेल को जब तक ना महत्व नहीं दिया जाएगा, ना तो वो शिक्षा में आगे बढ़ पाएंगे, ना ही वो स्वास्थ्य में आगे बढ़ पाएंगे, ना ही वो नशा को रोक पाएंगे। इसलिए सरकार को हम चाहिए कि योग की जगह योग के साथ साथ खेल पर भी है ना विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ और बढ़िया नौजवानों को बढ़िया पहलवान बनाया जा सके। कुश्ती के अंदर महारत हासिल करते हुए युवा साथी ने बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की, और इनके पिता मास्टर हनुमान जी हमारे साथ हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पिता भी कुश्ती करवाते थे और खुद भी करते थे, और मास्टर हनुमान जी भी इसमें खेलों में अच्छा रुचि रहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप खेलों के बारे में? मैं तो हमेशा से ही खेलता रहा, कबड्डी और कुश्ती करता रहा। और आप बात कर रहे हैं अब फतेहाबाद केसरी की, तो इन्होंने 3 बार पहले फतेहाबाद केसरी का खिताब जीत चुके हैं, 3 बार फतेहाबाद कुमार का खिताब जीत चुका है। और इसको मैंने 5वीं कक्षा से ही योग के बारे में बता दिया था और योग के बारे में सारी जानकारी इसको दे दी थी। उसी टाइम से ये लगातार है ना हर चीज़ को छोड़ के प्राथमिकता इस खेल को दी, और साथ साथ टाइम में भी हमेशा है ना ये 90% से ऊपर ही रहा, जिसकी मतवल कामयाबी इसने अभी हासिल की है। तो मैं तो गांव में अभी भी मेरा जो स्कूल चल रहा था वो प्राइवेट, उसकी जगह मैंने अखाड़ा बना दिया, और उस अखाड़े में ही अभी छोटे छोटे बच्चों को है वहाँ मिट्टी डलवा के सारी चीज़ करके और वहाँ मतलब प्रैक्टिस करा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भविष्य में ये हरियाणा केसरी बने, भारत केसरी बने। आपका बहुत बहुत अभी आपने जैसे बताया कि गांव में आपने खुद ने अखाड़ा बनाया, हाँ। तो इसमें जैसे और गांव में भी अखाड़े होने चाहिए। पहले हरियाणा में ऐसी कुश्ती के लिए युवा साथियों को मैदान में देखा जाता था और अखाड़े बहुत होते थे, हाँ। अब इसके बारे में क्या कहना है? होने चाहिए थे, परंतु अब क्या है कि जो नशा है ना, लोग ये जो नौजवान है वो दिशा भ्रमित हो रहा है, और सामाजिक संगठनों को उसके बारे में आगे आना चाहिए। क्यों नशा एक ऐसा भयंकर रोग लग चुका है हमारे यहाँ इस इलाके के अंदर, जिससे लोग है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स में आने के लिए टाइम चाहिए, फिक्स टाइम चाहिए, सुबह 3 बजे, अभी ये 3:30 बजे उठता है, और वो उस टाइम है ना आज का युवा 3:30 बजे क्या कर रहा है, किसी का फ़ोन देख रहा है, किसी की मोटर देख रहा है, तो उस तरह नहीं होता। हर गांव के अंदर मौजूद आदमियों को, पंचायत को, सरकार को वहां पर मतवल सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे मतवल हमारा बच्चा है वो गलत रास्ते पर न जाकर अच्छे कामयाब हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद।